देखो बहू बहू क्या लग रही बोलने, सड़े पाव मत दिखाओ भाई। हाँ जी क्या हुआ आपको? यहाँ तो इसमें तो खराब हो गया। I'm actually trying, I'm मतलब बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं तो मुझे बहुत शर्म। ऐसे खोल इसको। Hey viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो मैं घर पे हूँ, ऐसे मैं शिमला रहती हूँ, मैं घर आई हूँ। आप लोगों को क्या ही पता होगा मैं व्लॉग्स नहीं बनाती आजकल, बिल्कुल ही ऐसे वेली हो गई हूँ। वेली तो क्या, मैं बहुत बिजी हूँ शायद, मैं तभी व्लॉग नहीं बनाती, मुझे खुद ही पता नहीं मैं बिजी हूँ या वेली हूँ। मतलब इतना इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ चली हुई है, तो आज ऐसी मैंने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग। अब मुझे नहीं पता ये कंप्लीट होगा या नहीं, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अभी देख पा रहे हो, और अगर नहीं होगा तो फिर डिलीट हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतनी वीडियो बनाने का। तो अभी आज मैं घर आई हूँ और बहुत थक चुकी हूँ मैं। मैंने सोने की कोशिश की पर मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैं एक तो मेरे को टेंशन है, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, सबसे बड़ी टेंशन ये है। और ऊपर से आज मैं इतनी थकी हुई इसलिए हूँ क्योंकि मैं आई हूँ शिमला से लेकर शालाघाट तक बस में खड़ी, मुझे कोई सीट नहीं मिली बस में, ना मुझे किसी ने सीट दी, मुझे चक्कर आ रहे थे लिटरली। मतलब मैंने क्योंकि सुबह बस ब्रेकफास्ट ही किया था, उसके बाद मैं 1-2 बजे शायद बस में बैठी थी, तो फिर मतलब भूख लग चुकी थी मुझे दूसरी बार भी। और मैं तो ऐसे इंसान हूँ कि मुझे आधे आधे घंटे बाद भूख लगती रहती है, तो मुझे खतरनाक वाली भूख लगी हुई थी और फिर मुझे चक्कर आ रहे थे बस में। पर फिर भी मैं कैसे ना कैसे पहुंच गई शालाघाट, फिर शालाघाट से अर्की, और फिर अर्की से मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। और अभी हम जा रहे हैं मैं और मेरी बहन मीनाक्षी एक अपनी मासी के घर, वहाँ पे जो मैंने मैंने लगानी है ब्राइडल मेहंदी। भाई कैसे कहानी सुना रही हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन सुना रही हूँ। ब्राइडल मेहंदी लगाने जा रही हूँ मैं जो मेरी होने वाली भाभी है उनके, क्योंकि उनकी शादी है तभी ब्राइडल मेहंदी, तभी ब्राइडल मेहंदी लगाने जा रही हूँ क्योंकि उनकी शादी क्योंकि उनके श्राद्ध घर पे। अरे यार, तो यार मैं तो भूल गई हूँ व्लॉग बनाते कैसे, मैं तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हूँ जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती हूँ वैसे करती हूँ। तो हाँ, तो मैं जा रही हूँ अभी, मैं मीनाक्षी जा रहे हैं और उनके मेहंदी लगाएंगे। मीनाक्षी को मैं इसलिए साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ और पूरी रात मेहंदी लगाने में लग जाएगी, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी तो आपको पता ही है, पाँव पूरे फुल करने पड़ते हैं, बाजू में लगानी पड़ती है, हाथ फुल, गॉड ब्लेस यू। और फिर उसके बाद मीनाक्षी जो बच्चे कुचे लोग होंगे उनके लगा देगी मेहंदी, क्योंकि सबके लगा सकती मैं। मतलब ब्राइडल मेहंदी इतनी टफ होती है, टफ क्या मतलब, इतना थक जाते हो उसमें कि दूसरे बंदों को लगाने की हिम्मत नहीं रहती। और फिर जब मेरा मन नहीं होता मेहंदी लगाने का और मुझे नींद आ रही होती, तो मैं तो कचड़ पचड़ करके आ जाती हूँ, मतलब हर कुछ लगा देती हूँ। फिर तो मैं इसको साथ ले जा रही हूँ कि ये डिज़ाइन देखेगी फ़ोन से और उन और लोगों के लगा देगी, और मैं दुल्हन के लगा दूंगी। और शादी वादी में मैं जा नहीं रही क्योंकि कल होली है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं शिमला वापस जाऊँ और वहाँ पे होली मनाऊँ, क्योंकि यहाँ तो किसी ने मनाने नहीं है, और मेरे को होली दिवाली वगैरह सारे बहुत पसंद है मुझे त्यौहार वगैरह। और वैसे मुझे शादी में जाने का शौक भी है, बट मैंने कुछ खास नए कपड़े नहीं ले रखे हैं, तो अभी मैं नहीं जाना चाहती। मैं अच्छी मुझसे पूछ रही है कि मैं झुक कर दूंगी, कैसी लग रही हूँ? बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। मैं झुक कर दूंगी यार भाई, 3:27, 28 सेकंड होती, सो 3.5 मिनट मैं अभी तक कंटिन्यू बगड़ बगड़ किए जा रही हूँ इधर, और कोई वो मैंने रीटेक नहीं लिया है। वाह, इतनी अच्छी बात, मतलब मैं वो बन चुकी हूँ, क्या बोलते उसको, प्रो। बिना व्लॉगिंग किए इतने टाइम से मैं प्रो बन चुकी हूँ व्लॉगिंग में। तो देखते हैं अगर कल सब कुछ ठीक ठीक रहा, मेरा मूड अच्छा रहा, तो मैं कल क्या करूँगी, तो मैं कल व्लॉग बनाऊंगी होली का। और मैं करती हूँ तेरा मेकअप, प्लीज यार प्लीज, मेरे को जाना कोई मेकअप करके, आई एम ओके। क्यों गाइस, मेरे को एक बढ़िया कंटेंट मिल जाता मैं तेरा मेकअप कर देती थोड़ा बहुत। तुम्हारे कंटेंट के लिए मैं अपना फेस खराब नहीं करूंगी, नहीं। ओह माय गॉड, मेकअप से फेस खराब नहीं होता, अगर आप चीप कुछ गंदा सा घटिया सा मेकअप यूज करते हो तब होता है वो। फिर आप अगर चीप फेस पे बढ़िया मेकअप यूज करोगे तो चीप फेस और चीप हो जाएगा, तेरा फेस चीप नहीं है। और मेकअप इतना ज्यादा भी नहीं करती मैं, एक नॉर्मल क्रीम लगाती हूँ, काजल कुजल लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत, और लिपस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अब
लगता है लिपस्टिक. मुझे बस लिपस्टिक ही चाहिए होती है और कुछ सनस्क्रीन लगा लो. धूप तो है अनिवार्य पर जरूरी होती है. अगर आप रात को भी तैयार होते हो, रात को भी तो सूर्यग्रहण कहीं ना कहीं होते होंगे. वाह वाह लॉजिक है भाई, कहीं ना कहीं से किरणें तो ट्रू ट्रू. यार एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ गई और ये इसको मैं कब से बोल रही हूँ कि तैयार हो जा तैयार हो जा, पर नहीं. एज ऑलवेज लेट, हमेशा हमेशा लेट करती है. और मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ. अगर मेरे को बोलते ना कि 5 मिनट तेरे पास तैयार होके दिखाओ, मैं फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ. सोचो मुझे टाइम नहीं लगता ज्यादा रेडी होने में. मेरा एक तो सुख है लाइफ का, ये सुख है. और अगर आप मेरे को बुलाओगे ना कि 7 बजे इस जगह पहुंचना, तो मैं 6:30 पहुंच जाती हूँ. मतलब मैं अगले बंदे का से वेट नहीं करवाती, खुद चाहे वेट कर लूं. ऐसा होता पता नहीं, मैं इतनी अच्छी हूँ. तो घर में आए हुए अभी मेरे को शायद आधा घंटा हो गया होना है, और अभी तक मैं मम्मा से नहीं मिली हूँ क्योंकि मम्मा घास लेने गए शायद मैं हमें को पता नहीं है ना. तो मैं बस बैठी हुई ठीक है, हो गई तैयार. ओ मुझे इतनी ज्यादा नींद लगी हुई है, बट मैं सो भी नहीं पा रही हूँ. मेरे को टेंशन है कि मैं कैसे लगाऊंगी पूरी रात बैठ के मेहंदी. मतलब वैसे तो मैं जल्दी कंप्लीट कर देती हूँ, बट बहुत टाइम बाद लगाने वाली हूँ. गाइस मैं पैर उनके पैर पकड़ लूंगी गाइस. उनके पैरों में ये लगा देगी. और मुझे ये भी टेंशन है कि कल मुझे होली मनाने जाना है टाइम से, और मैं कल सो ही रह गई अगर सुबह तक आधे दिन तक, जो कि मैं हमेशा 11-12 बजे उठती थी घर पे. ऐसा हुआ तो होली वाली कुछ नहीं मना सकती, फिर मैं ऐसे रह जाऊंगी. वाओ ये है अवनी, ये है जानवी. Hello. ये देखो होली मना रहे आज. हैप्पी होली. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. मुंह में नहीं डालते, पता है मुंह में गंदा होता है. एक और नहीं, मुंह में नहीं डालते ठीक है, थूक दे. देखो आपकी मम्मा को पता चल जाएगा वीडियो से कि नहीं. मेरे को मत लगाना यार, मैं तैयार हुई हूँ बिल्कुल. हाय काश मेरा बचपन भी ऐसा होता. मैं भाग जाती हूँ इनके पीछे. इधर आइया. वाह वाह वाह, देखो इनकी शक्लें. ये देखो अभी ये तुझे कम भी लगाए. साथ से किधर देख रहा, कितना लगाया. नहीं मैंने. ओ भाई ठीक. ओ गाय आई. देखो जी देखो, मेरे को मत लगाना, मैं घूम जा रही हूँ ना कहीं ठीक है. बाकी जिस मर्जी को लगाओ. ओ भाई, ओए बच्चो भाई साहब, मेरे को मतलब मैं जा रही हूँ गई. मेरे को फिर से तैयार होना पड़ेगा तब ठीक है. कल मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ होली ठीक है. मैं मासी के घर. मैं अक्षी भी डायलॉग मार रही हूँ, मैं जा रही हूँ कहीं भी. मैं जा रही हूँ यार. गाइस मैं बहुत जा रही हूँ. उन्हें हल्दी लाए तू. हल्दी भी है इसमें. अरे टिक्का लगा यार, देख तू इसका टिक्का. किसका टिक्का ये? हनुमान जी का. वो देख कैसे फेंक रही मैं बेचारी. दोनों हाथ कैसे ऐसे खाते ऐसे खोल इसको. ओ यार मैं मुंह में चला जाता है, ऐसे नहीं करते. हैप्पी होली काशी. देखिए दीक्षु ना दांत बता अपने, दांत बता अपने. देखो इसका नाम है पटवारी और ये जा रहा है हमें छोड़ने. ओ इसको कलर लगाया हुआ है. हैप्पी होली. चलो जी चलो. तो हम अब चल पड़े हैं भूमती की ओर. भूमती की ओर, वाह भूमती की ओर चल पड़े हैं. तो सरप्राइज हो गया. और ये हमें छोड़ने जा रहा है पटवारी. और जैसा कि हमेशा की तरह मैं हमेशा ही बोलती रहती थी कि बस छूट गई लेट हो गए, और वही हुआ है आज भी. शायद इस साइड को ना कंफर्म है, लाइट अच्छी नहीं आ रही. कंफर्म नहीं है कि
ये छूट गई है हमारी बस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितने बजे आती है बस, बट थोड़ा बहुत ये पता था कि अर्की से 6 बजे चलती है। तो अभी हम जल्दी जाते हैं और आपसे मिलते हैं बस में, ठीक है? हाँ, क्या गाँव? विकसित गाँव, विकसित गाँव। यहाँ पे पार्क बन चुका है अभी, ये कंप्लीट नहीं है। चाहे यहाँ के लोग अच्छे पार्क कैसे जा रही है, झूले वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। यहाँ का एक अलग से टूर दूंगी मैं आपको, जब ये शायद कंप्लीट हो जाएगा तभी दूंगी, अभी क्योंकि यहाँ पे और आगे तीनों हमारे टाइल्स वगैरह लगनी है। और ये लोग आए हुए हैं, वाओ, ये मीनाक्षी ने सुसाइड करने के लिए बनाया है। अभी नहीं करूंगी। और ये इवनिंग वॉक के लिए आए हुए है गाँव के लोग, गांव के लोग ही हुए। हाँ, बुआ और ये बच्चे क्या लगते मेरे, बहने भाई बहन है मेरे गांव के। और आगे भाई सबसे प्यारी बहन है, सबसे प्यारी बहन है आगे लीजा। कहीं बस में ना, बस में ना चढ़ जाए यार, ए सीन ए नए कपड़े खराब करती बंद। लीजा कहाँ हुआ तुझे, ये जाएगी हमें छोड़ने। और ये हमेशा ऐसा करती है कि क्या करती है बता, लात मार के गई बस में चढ़ जाती है। हाँ, जैसे हम बस रोकते हैं बस में ये भी चढ़ जाती है साथ में। अच्छा, तो ये है पटवारी, ये लीजा, ये आगे वाला है क्या नाम इसका, डीजे। कैसा है तू? बस लीजा जल जाएगी, डीजे कुछ हुआ तो लीजा जल जाएगी। वापस आओ बेटा, हमने आप नहीं चढ़ोगे उसमें। मैं तो चढ़ूंगी। नहीं, हाँ भाई लीजा, देख तो ये पटवारी और डीजे चुपचाप पारे चले गए, कुछ दिख नहीं रहा है अभी। वैसे बैक लो। चलिए दादाजी के साथ चली जाएगी, दादाजी के ऊपर बैठे हैं शायद। अभी इसकी तारीफ की, ये घर चला गया चुपचाप, ये भी आ गया। और ये देखो आए हैं लकड़ियों को, तब क्या हुआ, ये तो हमारा वो है काम है। दादाजी भी बैठे हुए, लीजू चले 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 चले, हाय करो। क्यूट पटवारी का नाम है स्पीड ब्रेकर, क्योंकि पटवारी ये खाएगी अब इसको। देखो इधर पता है क्या हो रहा है, इधर की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ये है स्कूटी वाला या कोई बाइक वाला होता है, और जब वो जाता है तो डीजे उसको खाने के लिए दौड़ता है उसके पीछे, फिर डीजे का नाम स्पीड ब्रेकर रख दिया है। और लीजा अपने हाँ, अरे पटवारी की बात कर रही हूँ मैं, और लीजा उसको बचाने के लिए भागती है कि अगर हमारे गाँव का कोई स्कूटी या बाइक वाला होता तो लीजा बचाती है उसको। तात्पर्य यह है मेरा कि जब भी कोई हमारे गांव का बाइक स्कूटी पे जाता है और उसके पीछे अगर पटवारी भागता है उसको खाने के लिए, तो लीजा पटवारी को खाती है कि ये हमारे गांव के, इनको कुछ मत कर, मतलब कुछ ऐसा होता है, ठीक है? और अगर कोई और हो तब तो लीजा खुद भी भागती है उनके पीछे, चाहे फिर वो गाड़ी हो चाहे बाइक हो। ये बाय लीजा, जा घर को, ठीक है? यार अभी हमें पता चला है सूत्रों से कि क्या होगा, क्या चला मेरे को पता कि बस 45 पे आती है, कि बस हर किसी 6:45 पे चलती है, और अभी टाइम क्या हुआ है 6:42। बस चली भी नहीं, हम सड़क पे पहले आ गए, मतलब आज वैसा नहीं हुआ हमारे साथ कि हम लेट है और बस तुम बहुत जल्दी चली गई, मतलब आज जल्दी है। हाँ, एक बार सही की वजह नहीं हुआ आपकी। सही में इस टाइम तक तो मैं सो भी लेती, और अगर मैं इसके पीछे चलती हूँ ना, ये कैमरा शायद हेलो। तो हम पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं और चुपचाप बैठ चुके हैं। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को सबके सामने ब्लॉगिंग करने में शर्म आती है, इसलिए जब यहाँ पे अभी कोई नहीं है तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जब कोई आ रहा है तो मैं चुपचाप बैठ जा रही हूँ फोन बंद करके। इसकी फ्रेंड यहाँ पे, इसको मिल चुकी है, ठीक है, बाय बाय।
बीमारी जैसे उसको कत्ल कर दी। शर्माते नहीं फिर तो शर्मा रहे दादी जी यहाँ पे पाँव में नेल पेंट फोकस करके चैनल गाड़ा और पूरे ही ना एक नौ बॉस लेके बेडवरा को पता मम्मी का तो पूरा ही हाल है पूरा मासी का बहुत ही सुंदर है वैसे हाँ बहुत सुंदर सच में पर मासी ने देखो लगाया है देख लो देखो बहू बहू क्या लग रही बोलने सड़े पाव मत दिखाओ सड़े हाथ ये है आजकल की बहू के हाथ नहीं नहीं ऐसा नहीं करना कुछ भी कलोलना है तो तेरे को कैसा लग रहा है मैंने मेरे हाथ अकड़ चुके सीधा नहीं हो रहा है हाँ जी क्या हुआ आपको तो इसमें तो खराब हो गया इधर ये भी कोई लोग बाकी निकिता भी बुआ के मेहंदी लगा के थक चुकी है मैंने वैसे एक हाथ में लगाई है दूसरे में वर्षु से लगाने वाली हूँ ये किसने लगाई आपके ये तो मीनाक्षी ने लगाई है मेरी मासी की लड़की ने खराब हो गया है आंटी बुला रहा हूँ बंद नहीं हो रहा है सब चुप हो स्ट्रगल होने सब हाथ तो बता दो और ये मीनाक्षी लोथरा ने किया है इमेजिन करो बेटा क्या बोला हम पहुंच चुके हैं अब घर के रास्ते में और मैं बस लिटरली मतलब उठी मुंह भी नहीं धोया जैसे थी वैसे ही बैठ गई थोड़ी देर बस का वेट किया और आ गए मतलब और मुझे अभी तक इतनी नींद लगी हुई है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और शिमला जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल हो चुका है क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं जिनके साथ मैं होली मना सकूं ये मुझे आज फील हुआ पर मुझे चाहिए भी नहीं मैं ठीक हूँ वैसे अकेली पर मेरा मन भी नहीं है मन तो मेरा बहुत है पर फिर मैं सोच रही हूँ कि शादी में चली जाती हूँ हाँ और ये दुल्हन के मेहंदी लगाई है तो ये हाथों में मेरे ये हाल हो चुका है और अभी हम पहुंच चुके हैं सानन गांव में गांव का नाम ले लिया और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ झूला ज़्यादा झूल के चलूँ घर को मेरे को बहुत नींद आ रही है अभी मैं कुछ करने की हिम्मत में नहीं हूँ तो अगर क्या करूँ कर दूँ मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ ना बहुत छोटा बना वैसे पर कोई बात नहीं ठीक है तब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे अगर मैं शादी में गई तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा व्लॉग शादी का अगर मैं नहीं गई तो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें लाइक शेयर कमेंट करें और वहाँ पर मैंने सबसे सब्सक्राइब करवाया वहाँ पर मैंने सबसे सब्सक्राइब करवाया क्योंकि
उन्होंने कर ही नहीं रखा था मेरा चैनल सब्सक्राइब. दुल्हन से भी करवाया और भाभी वगैरह से भी करवाया, सबसे करवाया. तब बोल रही थी कि अब मैं आपके व्लॉग देखा. कैसे बोल ननद जी बोलते वो हमारे को. तो हमने बोला, मैं कहा नहीं ननद जी मत बोलो कि दीदी बोलूं. मैं कहा नहीं हम आपसे छोटे हैं, दीदी मत बोलो. अब नाम लेके बोलो कि नहीं माने नहीं, इसलिए उन्होंने बोला कि जो रिश्ता होता है वो बड़ा होता है. मतलब ये गांव के लोगों की कितनी वो मासूमियत भरी बातें होती है. सबसे तू तो बड़ा अच्छा लगता है. इतने बड़े से दीदी सुनना. वैसे मैं कोई दीदी नहीं बोलता, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं बोलता. तो फिर मेरे को बड़ी खुशी हुई दीदी जी. चलो ठीक है, फिर गाँव पहुँच गए. अब बोलेंगे सुबह सुबह फोन उठा के कहाँ चले गए. वैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता पर तब भी खुद बात बोल रही, खुद उस पे कमेंट करेगी पर फिर भी चलो ठीक है फिर.